चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। वैसे मसाले बनाए रखे हैं हम, लेकिन हम कहें आप लोगों को दिखा दें क्या क्या पड़ता है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। अब इसमें हम देखिए 1 चम्मच ले लिए मेथी, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया। धनिया हमको थोड़ा ज्यादा लेना है, 2 चम्मच ले लिया हमने। अब सारे मसालों को हमको रोस्ट कर लेना है। अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम हमने बहुत धीमा रखा है। तो देखिए मसाले अच्छे से सिटकने लगे हैं। अब इसको हम उतार लेंगे। थोड़ा मसाला तो मिक्सर में चलेगा नहीं, इसलिए हम सिलबट्टे का इस्तेमाल कर ले हैं। और ये हमने काली सरसों ली है, अगर आप लोगों को पीली लेना हो तो पीली भी ले सकते हैं। और इसको भूनना नहीं चाहिए, कच्चा ही डालना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा है। देखिए आप लोग, अब इसमें सारे मसाले ऐसे डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे। तो देखिए बहुत बारीक नहीं पीसना है, मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अजवाइन, थोड़ी सी हींग भी हमने डालना है। उसके बाद यह अचार का तेल थोड़ा सा हमको डालना है। अगर अलग से आप लोग फ्रेश सरसों का तेल डालना चाहते हैं तो डाल देना। देखिए 1 चम्मच के लमसम हमने डाला है। तो देखिए भिंडी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें है ऐसे थोड़ा थोड़ा मसाला भर लेना। बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनता है, एक बार आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए भिंडी भर के रेडी हो चुके हैं। चलिए गैस ला लेते हैं। गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम एंड लो रखना है, क्योंकि तेज रहेगा तो भिंडी जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब इसको हमारे पास तो यही पैन है। अगर आप लोगों के पास दूसरा चौड़ा पैन भी वाला तो आप वो कर सकते हैं। देखिए थोड़ी भिंडी और रह गई है, इसको दूसरे बार में बनाएंगे।
आगे पीछे का कट दिखाया ही हमने, बिल्कुल फ्रेश और ताजी भिंडी है। अगर ताजी भिंडी का वो चेक करना है ताजी है कि नहीं, तो आगे का हिस्सा थोड़ा सा तोड़ लेना, तोड़ने से पता चल जाएगा कि भिंडी खाई कि पुराने भिंडी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल भिंडी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। Thank you.